अरे भाई कितना अंदर जाएंगे यार, हम लोग जंगल में ही भटक जाएंगे आज। इतना घने जंगल में यार लकड़ी की तलाश में आए हैं, लगता नहीं है मेरे को कि लकड़ी मिलेगा। भाई अब हमारा जो ग्रेवी है वो तैयार हो गया है, बहुत जबरदस्त दिख रहा है। एक पाव प्याज, एक पाव प्याज, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हिसाब से ले आ, दो ठो थम्स अप, दो ठो स्प्राइट, अगर एक एक लीटर के लहाता हूँ, अगर देख ले अपन हिसाब से, मिली सस्ते में दो लीटर, और नींबू ले आ 20 के, और का रहे भाई, बस बस फोन कर भी, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज आप लोगों को बताना था, और फर्स्ट टाइम हम लोग पूरा फुल नाइट वाला कैंपिंग कर रहे हैं, और देखते हैं अब क्या होता है। आग भी जला के रखेंगे क्योंकि क्या पता जंगली जानवर भी आ सकता है। तो जल्दी आओ और खाना खाने के लिए बैठो भाई, जल्दी घर भी जाना है। घर से ही निकलने में बहुत ज्यादा लेट हो गया है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, ये कौन सा चौक है, कोटा का मेन चौक है जयस्तंभ चौक, और यहाँ से हम लोग जाएंगे औरा पानी। और समय देख कर लग नहीं रहा कि हम लोग जा पाएंगे, प्लान में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि अभी ढाई बज गया है ना भाई, ढाई बज गया है, एक घंटा और बाइक चलाना है, वापसी में 10-11 बज जाएगा। वहाँ पूरा चिकन बनाना है, चावल बनाना है, पूरा खाना पीना है, उसके बाद फिर देखते हैं अब क्या होगा प्लान। मोंटी हमारे मैनेजर साहब वही बताएगा भाई, अमन भाई, और वो लोग अभी चावल लाने के लिए गए हैं, और अभी सब लोग, हम लोग टोटल कितने लोग हैं भाई, टोटल 10 लोग हैं, और सबसे वजन रखा है अभिषेक भाई, मेहनत कर रहा है, इसको फल दिखाना। चलो चलो भाई, लेट मत करो यार। थोड़ा थोड़ा ठंड लगना भी चालू हो गया है, जैसे जैसे शाम होगा ठंड भी बढ़ता जाएगा। ये जगह भी तो अच्छा लग रहा है, ये तो ठीक है भाई, ज्यादा अंदर जाने पे कहा।
ठीक तो है रे, क्या बोलना भाई अब बताओ, सब लोग पहुंच गए तो आखिरकार हम लोग अपने मंजिल पर आ गए भाई, देख सकते हो। लेकिन रुको रुको भाई, लेकिन थोड़ा हम लोग सच्चाई बता दो कि ये कोरी डैम नहीं है। सच्चाई बता रहे हैं कि हम लोग और पानी नहीं जा पाए हैं। कोरी डैम नहीं यार, हम लोग तो और पानी जाने वाले थे ना। हाँ, और पानी जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, इसलिए हम लोग यहीं पर। अभी टाइम कितना हुआ है भाई? टाइम अभी 3 बज गया भाई लोग। 3 पर्सन वाला कैंप है और देखते हैं हम लोग कौन को रुकेंगे और जो जो रुकेंगे भाई, और अगर एक दो जन एक्स्ट्रा होगा मैं भी रुकूंगा भाई, तो आग जला के रुकेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर भी आ सकता है। ये थोड़ा हम लोग के लिए रिस्की है लेकिन रुकना है, ये हम लोग इसीलिए ही हम लोग कैंप लाए, ये सब हम लोग आपके लिए कर रहे हैं गाइस, इसलिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, वीडियो को देखना ना भूले। पतला है और सिल्वर के अंदर में देखिए क्या रखे हैं। ये सिल्वर के अंदर है चिकन, बहुत सारा चिकन, और इसमें बनेगा हम लोग का चिकन। ये थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। 10 पर्सन के लिए छोटा कढ़ाई है और इसके बाद देखते हैं क्या है, बैग में निकालो भाई इसके बाद। अरे अरे कुछ घुस गया क्या? ये है बैठक, ये है बैठने के लिए चटाई। हेलो, और ये भाई ये दादू के लिए स्पेशल डब्बा, ये दादू और की ये स्पेशल डब्बा। अरे वो पानी लाने के लिए है यार, लेकिन वो उसको थोड़ा सा पचक गया, खराब हो गया भाई। और ये है हमारा झाड़ा। चलो रुको रुको मैं अभी आ रहा हूँ, लकड़ी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही कैंपिंग टेंट है, आगे चल के हम लोग नेक्स्ट वीक आएंगे तो हो सकता है हम लोग एक और कैंपिंग टेंट लेंगे। अभी वो 3 पर्सन वाला है और बाकी लोग जो है बाहर में रुकेंगे। 3 लोग तो अंदर सो सकते हैं लेकिन अगर 4 सोएंगे तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 3 सोएगा भाई, 3 जगेगा फिर 3 सोएगा भाई, ऐसा करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि और भाई लोग जो दूसरे गाँव से आया है, गनियारी से आया है विक्की भाई, तो वो हो सकता है घर चला जाएगा। लेकिन मिल गया इधर कुछ भी हो सकता है, और इधर पता नहीं है इधर क्या हो सकता है भाई। इतना लकड़ी में इतना कुछ नहीं होगा यार, बहुत कम लकड़ी है, मसाला नहीं भून जाएगा। चलो तो फिर और थोड़ा देख लेते हैं, मोटा लकड़ी मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। इतना घने जंगल में यार लकड़ी की तलाश में आए हैं, लगता नहीं है मेरे को कि लकड़ी मिलेगा। सच्चा ही मन जंगल में घुसते हैं और बहुत ही ज्यादा घना जंगल यार, ज्यादा अंदर मत जाओ भाई, नहीं तो रास्ता भूल जाएंगे। रास्ता भूल जाएंगे तो फिर घर जाने में दिक्कत हो जाएगा दोस्त। जीटी में काम नहीं चलेगा भाई, मोगरा चाहिए इसके लिए भाई। लकड़ी लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम लोग औरा पानी गए रहते तो हम लोग को लकड़ी का दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये वाला जो पिकनिक स्पॉट है उससे पहले पड़ता है, यहाँ जो है लकड़ी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मिल नहीं पा रहा है। अविनाश भाई फिर भी कहाँ कहाँ से चढ़ चढ़ के लकड़ी तोड़ रहा है। वैसे कुछ खा कर नहीं आए हैं? कुछ खा कर नहीं आए हैं यार, ऐसा बोलना है अनुज भाई का। लेकिन ये नाश्ता करने के लिए चला गया था ना, झूठ बोल रहा है, अकेले चावल लाने जा रहा हूँ बोल के लोग नाश्ता करने चले गए थे भाई। अरे भाई कितना अंदर जाएंगे यार, हम लोग जंगल में ही भटक जाएंगे आज। दोस्तों हम लोग का टेंट जो है रेडी हो गया है और समीर भाई जो है अंदर में लेटा हुआ है। अभी मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये समीर भाई अंदर में लेटा हुआ है और इधर जो है हम लोग का चूल्हा वाला कार्यक्रम हो रहा है, चूल्हा बन रहा है और हमारा सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है यहाँ पर।
चिकन हम लोग का जो है धुल कर आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखो भाई ये है 4 kg चिकन, और कम तो नहीं पड़ेगा ना यार? अरे कहाँ कम पड़ेगा यार, आधा से किलो खाएंगे दबा के। ठीक है दोस्तों, चिकन हम लोग का रेडी हो गया धुल कर, और ये जो पैकेट में क्या क्या मसाला है उसको मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। तेल थोड़ा मेरे को कम लग रहा है भाई, बहुत है, हो जाएगा तेल कम। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये है जीरा, और उसके बाद है ये है हमारा, ये क्या है भाई, चिली पाउडर। और ये जो है ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इतना सारा क्यों लाया हो भाई, हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाना चाहिए। और ये है प्याज, कुछ कमी, खड़ा मसाला यार है ना, है ना। बताओ भाई अविनाश, अविनाश भाई कुछ बोलना चाहता है क्या भाई? और ये है हमारा 1.5 साल पुराना नमक। पिछले न्यू ईयर का 31st के रात को हम लोग लिए थे, तो बचा हुआ था, तो उसको हम लोग लेके आ गए हैं। और वैसे भी नमक ख़राब नहीं होता, थोड़ा सा इसमें नमी आया है, क्योंकि नमक में ऑलरेडी जो है नमी आ जाता है इसमें। और यह है हमारा मेगा फोन, और इसके बाद है ये है हमारा चावल। चावल कितना किलो है भाई? 2 किलो है चावल। और ये वाला 5 लीटर डब्बा में हमारे पास पानी भी है दोस्तों। एक एक चीज हम लोग छुपा के रखे हैं, वो सरप्राइज है, अभी बाद में उसको दिखाएंगे। दारू पानी नहीं है लेकिन, वो दारू पानी नहीं है लेकिन सरप्राइज है। और भाई हम लोग का चूल्हा बहुत ही जबरदस्त तरीके से जल गया है, लकड़ी आग जल गया है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी चिकन भुन जाएगा। और चावल भाई तेल डालना चालू हो गया है, थोड़ा आराम से। ये कमी हो गया भाई, कैसे आता पीने में, समझ नहीं आ भाई। ये है खड़ा मसाला, और ये है पिसा वाला मसाला एवरेस्ट का, और ये शाही चिकन ग्रेवी मसाला। ये वाला मैं कभी यूज नहीं किया हूँ भाई, ये ठीक रहता है कि नहीं यार? अरे बेस्ट हो। अब ये भाई लोग यूज करते हैं, और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। भाई एक मिनट सुन लो, सुन लो, चूल्हा गिर जा है। एक पाव प्याज, एक पाव प्याज, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हिसाब से ले आओ, 2 ठो थम्सअप, 2 ठो स्प्राइट, अगर 1-1 लीटर के लहाता हूँ, अगर देख ले अपन हिसाब से, 2 लीटर सस्ते में, 2 लीटर। और नींबू ले आ 20 के, और का रहे भाई? बस बस फोन बस। कर भी ठीक है। और हम लोग का जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है, और उधर जो है चूल्हा थोड़ा सा उधर दिक्कत हो रहा है भाई लोग को, ईटा जो है टूट रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छे से टिका देना है। अब रेडी है, बस जैसे ही चावल बनेगा उसके बाद जो ये वाला जो नड्डा रहता है पापड़, इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद जो है जल्दी से फिर सब्जी बनाना चालू करेंगे। सलाद के रूप में है नींबू, मूली, खीरा और गाजर, प्याज, टमाटर, धनिया, सब कटा हुआ है, सब रेडी है। ये नड्डा वाला पापड़ है जिसको हम लोग अभी भूनेंगे सब्जी पकाने से पहले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कढ़ाई है। और भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा वीडियो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। अकेले से जा खड़ी लिया कर, कमीज उसने खड़ी कर, अरे होती है वहां कई तगड़ाई देखी थी तो जा। सत्यनारायण भाई पहचान में नहीं आ रहा है, कबीर सिंह। हां वैसे चश्मा धरे थे ना, दोनों हाथ उसने धर रखा उसने यार। और काफी टाइम हो गया है, धीरे धीरे शाम ढल रहा है, और सब भाई लोग हैं थोड़ा थोड़ा अपने बीजे हैं। और भाई अब हमारा जो ग्रेवी है वो तैयार हो गया है, बहुत जबरदस्त दिख रहा है। मटर मसाला भी ले, मसाला भी दे, मैं देखने का
भाई अमन कितना टाइम लगेगा यार? और 15 मिनट और फिर 15 मिनट विक्की भाई। हाँ 15 मिनट में तैयार हो जाएगा ना? 15 मिनट क्योंकि सब लोग को घर जाना बोल रहे हैं। अरे मत जाना भी मत जाना। ठीक लगे एक रख ले तो काम है कभी आ। और सलाद जो है लगभग कट कर तैयार है। आलू के कापा लिए भाई। अब मैं जा रहा हूँ फटाका फोड़ने। खाना रेडी हो गया है और जरूरी सूचना के रूप में मैं बता रहा हूँ कि खाना बन गया है और सब लोग जो इधर उधर गाड़ी में छिप कर बात कर रहे हैं वो लोग जल्दी आओ और खाना खाने के लिए बैठो भाई, जल्दी घर भी जाना है। कुछ फेस्टिवल आता है तो बस करते हैं भाई, ऐसा नहीं करते हम लोग। हेलो इतना जल्दी है? ले ठीक है भाई, खाना खाओ भाई। अविनाश रात हो गया है, तू भी सुन। सुनो भाई हो गया ना, बात खत्म हो गया, डिलीट हो गया भाई, डिलीट हो गया ना। संबंध कोई नहीं, गलत नहीं है संबंध कोई। देख भाई जैसे मुझे कर रहे हो भाई। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आए थे पिकनिक के लिए, एक औरा पानी हम लोग जाने वाले थे लेकिन वहाँ के लिए लेट हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ उससे पहले कि ये पिकनिक स्पॉट है यहाँ हम लोग रुके हैं। और अभी हम लोग 4 लोग हैं, टोटल हम लोग 10 लोग आए थे, जिसमें से बाकी भाई लोग अभी खाना खा लिए, वो लोग घर जाएंगे और हम लोग यहाँ टेंट में रुकेंगे पूरा रात। तो दोस्तों यही चीज़ आप लोगों को बताना था, और फर्स्ट टाइम हम लोग पूरा फुल नाइट वाला कैंपिंग कर रहे हैं और देखते हैं अब क्या होता है। आग भी जला के रखेंगे क्योंकि क्या पता जंगली जानवर भी आ सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और पिकनिक का तो पूरा वीडियो आप लोग देखोगे ही, और साथ ही साथ ये हम लोग पूरा नाइट रुकेंगे यहाँ पर और सामने में आग जलाएंगे ताकि जो जंगली जानवर है उससे हम लोग बच सके। तो ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू। ठीक है भाई, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है भाई, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तो चलो यार बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट भाई समीर, गुड नाइट। रुकिया।